सी वेरी ऑनेस्टली फेस्टिव सीजन है और न्यू ईयर आ रहा है एंड यू नो दिस टाइम आई हैव टाइम फॉर यू नो एंजॉइंग दीज हॉलीडेज विद माई फैमिली. तो मैंने सोचा थोड़ा सा पैम्परिंग तो बनता है, इसीलिए पैम्परिंग सेशन के लिए मैं आई हूँ आज यहाँ. और यू नो शूट्स के दौरान हम जब भी बाहर जाते हैं सन की वजह से बहुत टैनिंग हो जाती है एंड यू नो स्किन एक्चुअली स्किन गेट्स हैम्पर्ड. बट दिस टाइम हियर आई एम टू पैम्पर माई स्किन एंड एंटी टैन करवाने के लिए आई हूँ और थोड़ी इसी बहाने मसाज लेने के लिए भी आई हूँ बिकॉज आई एम अ बिग मसाज गर्ल. आई थिंक मुझे बहुत मज़ा आने वाला है बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मुझे मौका मिला है इस तरह सेल्फ पैम्परिंग का. लेट्स गो. I'm very excited to be with her. Yes, first of all, I would say that, you know, she has a wonderful skin. Her skin is glowing. She's so pretty. And यहीं से पता चल रहा है कि, you know, she is the best dermatologist I could ever get right now. Because very honestly, you know, when I'm shooting these days or whenever we are shooting outdoor shoots and stuff like that, our skin feels so tanned and, you know, it feels so dry. And I think this is the best time to pamper myself क्योंकि festivities भी हैं. Like, you know, we have Christmas coming. Coming up, we have New Year coming up, so I really want to pamper myself and my skin. Definitely. What do you suggest? So I was looking at your skin while you were talking. So Alisha, क्या होता है इसी आप लोग जब शूट करते हो ना तो सबसे ज़्यादा उसका जो इफेक्ट आता है लाइट्स का, मेकअप का, यू नो ड्राई एयर, फिर ह्यूमिडिटी, ये सब आता है स्किन पे. और अक्सर हम फेस की स्किन को तो कवर कर लेते हैं मेकअप से लेकिन हमारी बॉडी की स्किन ऑफकोर्स सफ़र करती है. तो आपकी स्किन जो है वो थोड़ी ड्राई है, थोड़ा उसमें टैनिंग भी है स्किन के ऊपर. सो आज हम करेंगे आपका डी टैन ट्रीटमेंट. इसमें देखिए आप रेगुलर बेस पे भी, बिकॉज आई एम श्योर विद योर बिजी स्केड्यूल आप इतनी ज़्यादा तो नहीं आ पाएंगे, तो आप थोड़ा सा ना होम रेमेडी भी करते रहिए. यू नो एक्सफोलिएशन रहेगा, एक्सफोलिएशन के एकदम बाद आपको स्किन को मॉइस्चराइज करना है. तो या तो आप कोई रेडीमेड मॉइस्चराइजर ले लें, सो पहले स्क्रब विच कैन बी होम मेड और इट कैन बी अ रेडीमेड स्क्रब, ऑन टॉप ऑफ दैट यू यूज़ अ मॉइस्चराइजर. बट ये स्टोरी यहीं एंड नहीं होती बिकॉज कुछ पिगमेंटेशन थोड़ा स्किन में डीप होता है. तो आज हम आपको पैम्पर करने जा रहे हैं. हम करेंगे एक डी टैन ट्रीटमेंट आपके लिए. वी विल एक्सफोलिएट द स्किन, देन वी विल पुट अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशन एंड पुट द मास्क. सो आपको क्या करना है, यू नो ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट आप सो सकते हो, म्यूजिक लगाओ और सो जाओ. रिलैक्स, थैंक यू सो मच. आई थिंक लेट्स जस्ट स्टार्ट. लेट्स स्टार्ट, चले लेट्स गो. वेल सो फाइनली आप अंदर पहुंच चुके हैं, यू आर ऑलमोस्ट रेडी टू गो. सो ज़रूर जानना चाहूँगी, वैसे तो आप डिटैनिंग कराने वाली हैं हैंड्स और लेग्स के, लेकिन ज़रूर जानना चाहूँगी अलीशा किस तरह से आप मेंटेन रखते हैं अपने स्किन रूटीन की. अगर मैं बात करूँ तो कितना टाइम वर्क मिल पाता है अपने स्किन को हेल्दी रख पाने के लिए. सी वेरी ऑनेस्टली व्हेन वी डू टीवी तो इतना ज़्यादा वक्त नहीं मिलता है, स्लीप भी ज़्यादा नहीं मिलती है. लाइक यू नो वी डोंट गेट दैट ब्यूटी स्लीप फॉर 8 आवर्स, वी गेट मोस्टली 5-6 आवर्स. लेकिन कुछ चीज़ें हैं वेरी बेसिक जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ एंड आई मेक श्योर आई एक्चुअली यू नो डू दैट फॉर माई स्किन. लाइक आई ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर और मैं योगा करती हूँ एंड यू नो आई ईट हेल्दी बिकॉज आई थिंक जो हम खाते हैं वो हमारे चेहरे पर दिखता है. एंड यू नो आई थिंक दीज आर सम सिंपल यू नो ट्रिक्स एंड टिप्स दैट आई फॉलो. और मैं फेस पे यूजुअली हमेशा ऑर्गेनिक एंड हर्बल प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ. आई डोंट यूज़ यू नो मच ऑफ थिंग्स. एंड अगर मुझे फेस पे कुछ करवाना भी होता है इट इज़ मोर ओवर आई गो टू माई डर्मोडोलॉजिस्ट, जिसे आज भी हम यहाँ आए हैं. सो इट्स नॉट लाइक यू नो टिपिकल सैलों काइंड ऑफ अ थिंग, इट इज़ ऑल यू नो डर्मोडोलॉजिस्ट हैं और सब कुछ अच्छे से यू नो और यू नो नथिंग इज़ हार्मफुल हियर. आप कुछ गलत यू नो यू कैन गो रॉन्ग देन इफ़ यू हैव अ नाइस एडवाइस, अ गुड एडवाइस फ्रॉम अ स्पेसिफिक पर्सन. So I follow all these routines for my skin. Okay, so we are not wasting our time. Hum shuru karte hain. Okay.
सो वी आर एग्जैक्टली स्टार्टेड नाउ. और सबसे पहले हमने क्या किया है, कैसे शुरू किया है, वील आस्क अबाउट इट. ये हमने हाउ वी हैव स्टार्टेड इट. सबसे पहले आपने क्या अप्लाई किया था? सबसे पहले मैंने क्लेंस किया. ओके. स्किन को जो भी डस्ट है बैक्टीरिया वो सब निकाला, और फिर अभी एंटी टैन कर रही हूँ मैं जो टैनिंग रिमूव करेगा. ओके. सो सबसे पहले क्लेंजिंग हुई है और अब एंटी टैनिंग, यू नो दिस इज एंटी टैन मास्क और इट फील्स गुड. अलीशा, हमेशा इस तरह के जो सेशंस होते हैं उसको वर्क लगता है, एंड पैम्परिंग सभी को पसंद है, लेकिन इतने टाइम बैठना और इतना टाइम देना अपनी बॉडी के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल होता है. आप कितना एंजॉय करती हैं अपने पैम्परिंग डे? आई लव सच पैम्परिंग डेज. आई लव पैम्परिंग माई सेल्फ वेरी ऑनेस्टली. और मुझे ना, आई एम दैट यू नो, आई एम अ मसाज पर्सन आई वुड से. मुझे आई लव मसाजेज, एंड यू नो जैसे अभी मैम बहुत अच्छे से मुझे मसाज भी दे रही हैं, आई कुड सी दैट, एंड इट इज़ रिलैक्सिंग मी एंड आई कैन फील, यू नो, आई कैन जस्ट डोज ऑफ हियर. मैं सो सकती हूँ. सो इट फील्स गुड, स्पेशली जब मैं इस तरह, यू नो, आई इवन गो आउट फॉर टैनिंग सेशंस एंड ऑल सच थिंग्स, तो उसके साथ में जो मसाज मिलता है ना, इट्स लाइक एक बार बस कोई टच कर दे और बहुत आराम मिलता है. एंड दिस टाइम आई एम एंजॉइंग इट. She is really doing it very well. And हाल ही में आप लोग आउटडोर शूट के लिए भी गए थे, वहाँ पे भी काफी मेहनत लगती थी क्योंकि अब सनलाइट में शूट करना होता है, कई बार नाइट लाइट में शूट करना होता है, लाइक कंप्लीटली फुली पैक, और उस दौरान वो जो एक रिलैक्सिंग सेशन है वो नहीं मिल पाता, वो टाइम नहीं मिल पाता, तो कैसे उसमें मैनेज करते हो, लाइक जब फुल आवर्स वर्किंग होते हैं तो? यार वेरी ऑनेस्टली ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि हम टीवी वाले लोग किसी भी हालात में सर्वाइव कर सकते हैं. वी टीवी पीपल आर वेरी स्ट्रांग, बिकॉज ऑब्वियसली हर रोज, यू नो, वी हैव टू शूट फॉर 12 to 13 hours विदाउट अ ब्रेक, एंड एवरी डे दैट टू टिल द टाइम, यू नो, योर शो इज रनिंग, मे बी अ ईयर, 2 years, 3 years, हाउ एवर लॉन्ग इट इज़, तो उतना वक्त नहीं मिल पाता आपको खुद के लिए और पैम्परिंग के लिए. एंड यू नो देर हैव बिन टाइम्स जब हम शूट कर रहे होते हैं एंड वी हैव टू कॉल, यू नो, द पर्सन रिलेटेड टू, लाइक अगर मुझे इस तरह का कुछ स्पा लेना है या फिर एंटी टैन करवाना है या कोई भी इस तरह की फैसिलिटी चाहिए, आई हैव टू कॉल दैट रिलेटेड पर्सन ऑन द सेट, एंड यू नो इन बिटवीन माई सीन्स आई हैव टू डू इट इन माई मेकअप रूम, तो इस तरह से टाइम निकालना पड़ता है फॉर सेल्फ पैम्परिंग. But now, like currently, I was free and, you know, Teri Meri Ek Jindagi just went off air and I just finished my Ishqiyat. So, abhi time hai and I'm here to pamper myself, aur festive season bhi aa raha hai. Like, you know, we have Christmas coming up, we have New Year coming up. So, I think this is the best time to relax now and pamper yourself. Definitely. So, I think you should enjoy your treatment right now. Thank you.
किया है आप आगे बंद करके क्या कहना चाहोगे, कितना रिलैक्सिंग फील हो रहा है? इट वॉज सो रिलैक्सिंग, लाइक लिटरली अभी भी मुझे ऐसे लग रहा है कि दिस इज़ सो कोजी ना, मैं ऐसे सो सकती हूँ. एंड द मसाज दैट आई गॉट, इवन दैट वॉज अमेजिंग, बहुत मज़ा आया है. वी हैड यू नो वी डिड स्क्रब एंड एंटी टैन पैक भी लगाया, और क्या किया था हमने, मॉइस्चराइजिंग भी किया है, पेनिट्रेशन हाइड्रेशन ये सब कुछ किया है. यू नो इट वॉज अ फुल पैकेज ऑफ आर्म्स एंड लेग्स एंड इट इज़ अमेजिंग आई एम टेलिंग यू. मुझे बहुत मजा आया एंड इट वॉज सो रिलैक्सिंग एंड माई स्किन फील सो गुड एंड हेल्दी एंड इट्स ग्लोइंग. वेरी ऑनेस्टली आई एंजॉयड इट अ लॉट गाइज. वेल आप सबने देखा ही होगा, यू नो एवरीथिंग वॉज बींग डन एंड आई हैड दैट फीलिंग लाइक अ क्वीन, लाइक यू नो आई एम जस्ट लाइंग डाउन एंड समबडी इज पैम्परिंग मी एंड आई एम हैविंग स्नैक्स साइड बाय साइड. सो इट वॉज एब्सोल्यूटली वंडरफुल एक्सपीरियंस. आई थिंक मैं बहुत रेगुलरली अब यहाँ आने वाली हूँ, जैसे भी मुझे यू नो वेन एवर आई गेट टाइम फ्रॉम शूट्स. एंड आई थिंक आप सबको भी आना चाहिए एंड ट्राई आउट करना चाहिए. दीज सेशंस आर अमेजिंग, शी इज़ अमेजिंग एंड यू नो माई स्किन फील सो ग्लोइंग एंड सो सॉफ्ट एंड सो नाइस. Wow, thank you so much. And she suggested me so many other things. I think I have to call her after this. Yes. And also, you know, we work all days. So from your busy schedule, even if it's a Sunday or a holiday, when you get time, just give us a call. Definitely. And Alisha, अभी एक important चीज़ है कि ये pampering session तो हुआ और आप सब ने भी enjoy किया और हमने भी बहुत enjoy किया और आपने भी, लेकिन ये यहीं end नहीं होता है because see, skin needs constant care, right? सो आपके आपके लिए ये एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर भी है. ओके, सो फॉर टैनिंग देयर इज दिस यू नो डी टैनिंग लोशन, बॉडी लोशन विच यू हैव टू अप्लाई आफ्टर यू हैड अ सन एक्सपोजर, एंड ऑल्सो देयर इज अ डेली मॉइस्चराइजर. ओके, सो दिस इज समथिंग विच यू यूज एवरी डे आफ्टर बाथ, एंड वेन यू आर स्टेपिंग आउट द पार्ट्स विच आर गोइंग टू बी एक्सपोज इन द सन, यू ऑन टॉप यू पुट दैट स्किन लाइटनिंग लोशन एज वेल. वंडरफुल, आई एम एवरी डे यू नो गोना मेक श्योर दैट जितना भी लेट हो रहा हो सेट के लिए, लेकिन ये मैं करके आऊंगी सेट पे. एंड आप अपने साथ रख सकते हो सो दैट यू नो इवन इफ यू फॉरगेट व्हेन यू आर सिटिंग इन योर कार और यू आर ऑन द सेट्स, यू हैव टाइम टू supply. Yeah, so this is very handy. I can carry it anywhere with me, and plus you know jab bhi main ye use karungi mujhe aapki yaad aayegi aur zyada main aapke paas aane ke liye you know motivate hongi that no I want to make my skin feel good and I want to pamper myself, so I'm going to come here. Very jaate jaate definitely bahut enjoy kiya hai sabhi ne is session ko. Fans ke liye kuch message dena chahenge ki kitna important hai apne aap ka dhyan rakhna. गाइज डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है, आप अपना ध्यान रखिए, अपनी स्किन का ध्यान रखिए, रेजीम फॉलो कीजिए. इट कैन बी एनी थिंग लाइक यू नो इफ़ यू डोंट लाइक गोइंग आउटसाइड और यू नो कंसल्टिंग डिफरेंट पीपल, एटलीस्ट एट होम यू नो यूज़ योर ऑर्गेनिक एंड हर्बल प्रोडक्ट्स. आप घर पे कुछ भी लाइक यू नो हल्दी चंदन का लेप एंड बेसन का लेप बनाकर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. और if you need a nice good consultant, we have her here, and you know please contact a good dermatologist and follow their regimes. I think it's very important to take care of yourself. God bless you all, stay blessed, and a very happy and merry Christmas and happy new year in advance hum dono ki taraf se. Yes. Wish you a very very happy new year's and a merry Christmas. Take care, God bless you.